रांची जिले के उपायुक्त राहुल कुमार बुधवार को सिल्ली पहुंचे। उन्होंने सिल्ली में चल रहे कई सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। मनरेगा के आम बागान व JSLPS द्वारा गाछा में महिला समिति द्वारा चलाए जा रहे साबुन निर्माण उद्योग समेत अन्य कई योजनाओं का निरीक्षण किया। समिति के महिलाओं को उद्योग बढ़ाने एवं अधिक मुनाफा कमाने के तरीके बताए। डीसी ने सिल्ली स्टेडियम में भी राजकीय मानभूम 6 नृत्य कला केंद्र का भी निरीक्षण किया। प्रशिक्षक सुनील कुमार सिंह से कला केंद्र की जानकारी ली। 6 नृत्य के कलाकारों ने भी डीसी के समक्ष नृत्य की प्रस्तुति की। उन्होंने 6 नृत्य कलाकारों से मिलकर उनके नृत्य की प्रशंसा की। डीसी आर्चरी के तीरंदाजों सहित बुसू के खिलाड़ियों से भी मिले। उपायुक्त राहुल कुमार सिल्ली स्टेडियम में बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र के तीरंदाजों, खेलो इंडिया के खिलाड़ी एवं बुसू खिलाड़ियों से मिले। कोच प्रकाश राम ने बारीकी से सेंटर के बारे में डीसी को बताया। इस मौके पर तीरंदाजों ने अपने हुनर रांची डीसी को दिखलाया। इस मौके पर वीडियो पावन आशीष लकड़ा, CO धर्मेंद्र दुबे समेत काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। आज सर सिल्ली में निरीक्षण के दौरान आए हैं स्टेडियम, कुछ खास वजह? जी, इस स्टेडियम में तो विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे मौजूद हैं। सभी लोगों के साथ मुलाकात करने का अवसर मिला, चाहे वो छौ नृत्य के प्रतिभाशाली छात्र हों या फिर तीरंदाजी के या फिर वुशु मार्शल आर्टिस्ट। सभी लोगों में मुझे एक बहुत मेजर डिटर्मिनेशन देखने के लिए मिला। सब दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं, परंतु ये देखकर अच्छा लगा कि सभी के माता पिता और उनके गुरुओं ने उनका काफ़ी साथ दिया है, उनका काफ़ी हौसला अफजाई किया है और यहाँ के जो कोर्सेज हैं उसको करने के दिशा में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी के डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखने के लिए मिला, बहुत छोटे बच्चे से लेकर बड़े उम्र के बच्चे सभी यहाँ देखने के लिए मिले। और मेरा मानना है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि जो प्रशिक्षक हैं वह बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वह बहुत ज़्यादा कुशल हैं। उन्होंने कई जगहों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये उनके द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का ही फल निकल कर आ रहा है कि आज यहाँ के जितने भी मेजर बच्चे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में बच्चे सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी सभी बच्चों के साथ कि वो और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस प्रखंड का, इस जिले का, इस राज्य का नाम रोशन करें। छौ नृत्य के भी जितने प्रतिभागी थे उनका भी पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम देखने का मौका मिला। अच्छी बात यह लगी कि थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, एकेडमिक रूप से भी छऊ का क्या महत्व है, किन किन दृष्टिकोणों से उसको जोड़ा जा रहा है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या और कोई भी कथा है, तो कथा के साथ उनके नृत्य का संगम हो रहा है। सुर ताल का जो व्यवस्था था वो बहुत ही बेहतरीन था। लड़कियां भी इस क्षेत्र में आ रही हैं, यह देखकर अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर आज स्टेडियम में जितने भी लोगों से मुलाकात किया, बिल्कुल दिल को तसल्ली हुई। हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि इनको और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोग मुहैया कराएं ताकि इनको अपने प्रशिक्षण में किसी तरह की कमी नहीं महसूस हो और अपना 100% फोकस ही प्रशिक्षण की तरफ दें और जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में बेस्ट डिलीवर करें। निरीक्षण के दौरान सर कई हॉस्पिटल का भी दौरा किया आपने जी, कुछ उसमें कमी दिखी? हमने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया, वहाँ पर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और ANM मौजूद थी और बड़ी अच्छी बात ये लगी कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी वहाँ पर हो रही। हमने ये जानकारी प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में आने वाले जितनी भी महिलाएं हैं उनका टाइम टू टाइम फर्स्ट ANC, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ANC हो रहा है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब डिलीवरी का ड्यू डेट आता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो उनकी सहियाओं के माध्यम से हर एक महिला को यह सूचना मिल जाती है कि नहीं कि अब उन्हें आकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। तो यह जो रूपरेखा थी उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो बहुत अच्छी नज़र आई। वहाँ पे CSC प्रभारी भी थे और यही फार्मूला हमने अनुरोध किया है कि सारे के सारे PHC, सारे के सारे HSC और सारे के सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रहे। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत काम करने वाली जितनी भी सहियाएँ हैं उनका टच रहे अपने गांव में रहने वाले हर एक परिवार के साथ, हर एक महिला के साथ, और उनको प्रेरित करके रखें कि अगर वो बीमार हैं तो अस्पताल में आकर इलाज कराएं, कहीं और अन्य जगहों पर जाकर सहारा नहीं लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां नियमित रूप से सहियाओं की गोष्ठियां होती रहेंगी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाइज रिव्यू होता रहेगा, ड्यूलिस के अनुसार पूरी तैयारी होगी और एक भी पब्लिक हम लोग हेल्थ फैसिलिटी में जोड़ पाने में सफल होंगे।